हिंसा के दौरान दहशत में जी रहे मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 10 कुकी परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। खबरों के मुताबिक इन परिवारों को पिछले 4 महीनों में न्यू लेम्बुलेन इलाके में लगातार धमकियों और बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा का सामना करना पड़ रहा था। खास बात यह है कि ये सभी लोग तमाम दुश्वारियों के बावजूद अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थे। एक त्वरित अभियान के तहत मणिपुर सरकार ने ये फैसला लिया। 78 वर्षीय पादरी और 24 विस्थापितों में सबसे पुराने एक व्यक्ति ने कहा है कि वो सुरक्षा कर्मियों के दरवाजे पर दस्तक देना जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। वो अपने परिवार के साथ सो रहे थे, तभी उन्हें नींद से जगाया गया और घर से निकलने को कहा गया। उन्होंने कहा कि हमें अपना सामान पैक करने के लिए कोई समय नहीं दिया गया। घरों से निकालकर हमें बुलेट प्रूफ सैन्य वाहनों में रखा गया और दूसरे स्थानों पर पहुंचाया गया।